तो हाय गाइस, आज मैं कैसी जगह आया हूँ जहाँ पे कि आपको थोड़ा दिक्कत होगा आने में। ये जगह है बेलाकुंड, वैशाली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और यहाँ मैं इसलिए आया हूँ कि यहाँ पे एक शिव भगवान का बहुत बड़ा मूर्ति बनाया गया है। अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, बट जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये देखिए गाइस, अभी अंदर भी चल रहे हैं, अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस देख सकते हैं आप, इतना बड़ा मंदिर, उसके ऊपर शंकर भगवान का इतना बड़ा मूर्ति, कितना बढ़िया दिख रहा है। तो गाइस चलिए अभी इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या, अभी तो ये बन ही रहा है, कब तक बनता है, कब तक कंप्लीट होता है, ये सब बताता हूँ मैं आपको। ये तो अंदर पूरा अभी खाली ही है। पूरा खाली है अभी, चलते हैं ऊपर। ऐसे अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे आए हैं, वो ग्राउंड था, बट अभी तो पूरा खाली है, अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है, सब कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, देख सकते हैं आप। इधर से भी सीढ़ी है, देखिए देखिए गाइस, तो सब कुछ खाली ही है पूरा। तो हम लोग चलते हैं ऊपर, ये देखिए, काम चल ही रहा है ऊपर, तो पूरा काम चल रहा है, ये देखिए। देख सकते हैं अभी तो काम ही चल रहा है। बगल में ही एक पोखर है जिसका नाम है सरसई पोखर। गाइज ये आपको बिहार में पहला इतना बड़ा स्टैचू है शिव भगवान का, और पूरे इंडिया में सेकंड स्टैचू है। फर्स्ट शायद तमिलनाडु में है, मेरे को एग्जैक्ट आइडिया तो है नहीं कहाँ पर है, बट यहाँ के कुछ लोगों से बात करने पर चला कि ये सेकंड स्टैचू है एंड फर्स्ट है तमिलनाडु में। और जैसा कि आप देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे त्रिशूल रखा हुआ है शंकर भगवान का, एंड डमरू भी, ये सब जाएगा ऊपर उनके हाथ पे। और ये आप देख सकते हैं, ये रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष माला बनेगा शंकर भगवान के लिए। जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आया ये त्रिशूल है, ये एक फाइबर से बना हुआ है, अंदर तो बिल्कुल खोखला है, ऊपर शिव भगवान का मूर्ति भी वैसा ही है, एंड नीचे तो सारा चीज़ कंक्रीट है, बट शिव भगवान का मूर्ति भी इसी फाइबर से बना हुआ है, अंदर शायद खोखला है, तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी अंदर का पार्ट। गाइस ये पूरा अंदर से तो खोखला है, ये देखिए। तो गाइस जैसा आप देख रहे हो, यहाँ रुद्राक्ष बनाने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए ग्लू यही है, यही इस्तेमाल होता है, एंड ये सारे रुद्राक्ष हैं इसी के मदद से बनाए गए हैं। सब देख सकते हो गाइस, पूरा ये पिलर पे ही सपोर्ट है, लोहे के पिलर पे, मूर्ति भी अंदर से तो खोखला ही है, पूरा सपोर्ट के लिए ही आई है। गाइस जैसा कि आप देख रहे हो, ये तो पूरा अभी खाली अभी बन ही रहा है, एंड जब पूरा बन जाएगा तब भी मैं एक बार आऊँगा, तब आपको दिखाऊँगा कि कैसा लग रहा है। ढांचा तो देख के लग रहा है कि काफ़ी खूबसूरत होगा, तो एंड प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा होगा। गाइस मैं अभी आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, ये डमरू जो कि इस मूर्ति में लगने वाला था बट शायद नहीं लगा टूट टूटने के वजह से, ये इतना बड़ा डमरू है शिव भगवान का, तो ये यूज़ में नहीं ला सका गया। ये सब अभी टूटा हुआ है फोम से, ये फोम का त्रिशूल ये भी टूटा हुआ है, आपको न्यू तो मैंने ऊपर दिखाया ही।
गाइस ये देखिए, ये नीचे बेसमेंट जो है, या आप इसे ग्राउंड फ्लोर भी कह सकते हैं, यहाँ शिव भगवान का इतना बड़ा मूर्ति है, साथ में उनका शिवलिंग एंड नंदी जी भी यहाँ होते हैं। गाइस अभी मैं यहाँ आया हूँ तो पता नहीं कहाँ से एक और इंसान यहाँ आ चुके हैं। ये पहले तो मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं, बट देखिए कौन है ये। क्या जी, ये जैसा कि आप लोग जानते हैं ये कैंडीमैन व्लॉग, और हम लोग काफी पुराने। यहाँ कैसे आए? यहाँ पर भाई मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे को बताया था, तो उसके जरिए मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, और मैं इनके जरिए यहाँ पहुँचा हूँ। तो हम लोग भी साथ ही समझिए, अकेले तो बहुत दूर है, अकेले तो आप लोग मत आइएगा अगर आप लोग भी यहाँ पर आने का सोच रहे हैं तो। वैसे मैं लोकेशन डाल दूंगा गूगल पे, आपको गूगल लोकेशन डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप आना चाहते हैं आ सकते हैं। तो गूगल के थ्रू ही आप लोग आ सकते हैं, क्योंकि बहुत अंदर गांव के अंदर है, बहुत लोग नहीं आ पाएगा। हम लोगों को थोड़ा दिक्कत हुआ, बट आना था तो आ गए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। गाइस फाइनली अब यहाँ से निकल रहा हूँ, ये इसका एंट्री है, और ये एंट्री पे एक मंदिर